नॉमिनेशन के आखिरी दिन कई दिग्गजों सहित तुगलकाबाद सीट से भाजपा उम्मीदवार व दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश भिदुड़ी के भतीजे विक्रम भिदुड़ी ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन के दौरान सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। नॉमिनेशन से पहले एक बड़े ही शाही अंदाज में हजारों लोगों की भीड़ के साथ रैली निकाली, जिसमें कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते दिखे। साथ ही हर एक कार्यकर्ता के सिर पर पगड़ी इस रैली का सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र थी, क्योंकि विधानसभा तुगलकाबाद के अंदर हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश भिदुड़ी जी का जो कार्यकाल लोगों ने देखा है, बिना सरकार के देखा है, और उन्होंने वनवास भी भोगा पिछले 5 साल का, उससे पीड़ित होकर के ये जो आपने लोगों का, कार्यकर्ताओं का या तुगलकाबाद विधानसभा के लोगों का जो उत्साह देखा है ना, इनका वनवास बोल रहा है। और जो आप केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी की जो हवा तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर इतनी बुरी तरह से निकलेगी, ये देखने लायक होगी। क्योंकि लोग दुखी हैं कि आयुष्मान भारत हर गरीब की जरूरत है, 5 लाख का इलाज किसको नहीं चाहिए, तो ये उस सभी के लिए लोगों में उत्साह है, जोश है, उसका ये प्रमाण है जो आपको देख रहे हैं। जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है आप? 100% सुनिश्चित है। मेरे से ज्यादा आप कार्यकर्ताओं को पूछिए, समर्थकों को पूछिए। रमेश भिदुड़ी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता के साथ धोखा कर रही है। ऐसे भ्रांतिकारी लोगों से अब छुटकारा मिलने वाला है। बच्चों के स्कूल में दाखिले नहीं होते, झांसा दे दिया 500 स्कूल बनाऊंगा, एक नहीं बनाया पूरे स्कूल जी उन्होंने। 20 कॉलेज खोलूंगा, नौजवानों ने सोचा कि 20 कॉलेज खोलेंगे हमें दाखिला मिल जाएगा, जिनके 60-70% नंबर आते, एक कॉलेज नहीं खोल पाए वो व्यक्ति। तो उसकी जो भ्रांतियां फैली हुई थी, और आयुष्मान भारत योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज, जिसकी आमदनी 5 लाख रुपए से कम है एक साल की, उसको 5 लाख तक का इलाज, कोई भी गंभीर बीमारी हो, किसी बड़ी अस्पताल में हो, वो पूरे देश में सभी राज्य सरकार दे रही है और केजरीवाल नहीं दे रहा है। तो केजरीवाल को लोग सबक सिखाएंगे कि 200 यूनिट बिजली जो आपने फ्री की है शीला जी के पैटर्न पर, वो शीला जी ने की थी कांग्रेस के जमाने में, भारतीय जनता पार्टी आने के बाद इसको 210 यूनिट तो करेगी, 190 यूनिट नहीं करेगी, लेकिन कानून बनाकर करेगी, इसका एक अलग बजट का प्रोविजन बनाकर करेगी भारतीय जनता पार्टी तुरंत।